बस बाइक की खबरें लगातार देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। इस खबर के प्रायोजक हैं मिस्टर टॉक मोबाइल का ब्यूटी पार्लर एंड गैजेट बार, एड्रेस रजवन का पुल नियर हनुमान चौक मेरठ। नमस्कार, मैं हूं संपदा और आप देख रहे हैं फर्स्ट बाइट टीवी। सपा अधिवक्ता व लोकदल ने जेएनयू की घटना को लेकर किया प्रदर्शन। जेएनयू में हुए बवाल को लेकर मेरठ जिले में भी आक्रोश बढ़ता जा रहा है। एक तरफ सपा के बड़े नेताओं ने मुंह पर काली पट्टी बांधकर जुलूस निकाला और मंडलायुक्त कार्यालय पर धरना दिया। इस संबंध में सपा ने मंडलायुक्त के माध्यम से राष्ट्रपति को ज्ञापन भेजा और हमलावरों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की मांग की है। धरना देने वालों में सपा नेता गोपाल अग्रवाल, पूर्व विधायक सिवाल खास, गुलाम मोहम्मद, जयवीर सिंह, आनंद प्रकाश, सम्राट मलिक, बाबर चौहान आदि शामिल रहे। तो दूसरी तरफ लोकदल के बैनर तले समस्त छात्र व शिक्षक चौधरी चरण सिंह की ओर से मंडलायुक्त के माध्यम से एडीजी आदि के माध्यम से राष्ट्रपति को ज्ञापन सौंप कर प्रदर्शन किया और हमलावरों की तत्काल गिरफ्तारी की मांग की। रालोद का आरोप है कि जेएनयू में हमला सुनियोजित ढंग से किया गया था और हथियारों से लैस हमलावरों ने वहां मारपीट कर आतंक फैलाया। ऐसे हमलावरों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। उधर ऑल इंडिया लॉयर्स यूनियन की तरफ से भी डीएम कार्यालय पर अधिवक्ताओं ने प्रदर्शन कर राष्ट्रपति के नामित एक ज्ञापन सौंपा। अधिवक्ताओं का आरोप था कि शासन प्रशासन व दिल्ली पुलिस और विश्वविद्यालय की घोर लापरवाही के चलते जेएनयू में दमन चक्र व तानाशाही वाली घटना हुई है। इस प्रशासन में एडवोकेट अब्दुल जब्बर, राजकुमार गुज्जर समेत बड़ी संख्या में अधिवक्ता शामिल रहे। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए फर्स्ट बाइट टीवी।